नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज प्रकृति माता की ऐसी एक चीज के बारे में जानकारी दूंगी जो स्वास्थ्य लेकर सौंदर्य तक इसके पास हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। वो चीज है दोस्तों हनी यानी शहद, जो कई गुणों और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हनी के बारे में सबको कुछ न कुछ पता है, लेकिन इस वीडियो से आप जान पाएंगे हनी क्या है, शहद कितना प्रकार होता है, शहद में उपस्थित पोषक तत्व क्या है, शहद से जुड़े 10 ऐसे लाभ जो आम जीवन की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में आपके लिए बेहद कारगर होंगे, और आप जान पाएंगे हनी किसके साथ और किसको नहीं पीना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, कहीं स्किप मत करें। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। और एक बात, मेरी वीडियो की जानकारी पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ममता पांडा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जामिनी हेल्थ एकेडमी में। दोस्तों शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आया है। आप जानते हैं शहद क्या है। शहद मधुमक्खी द्वारा फूलों के रस से बनाया गया एक तरल पदार्थ है। इसे मधुमक्खी द्वारा कई चरणों में काफी लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को एक औषधि का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, और अब पूरी दुनिया में लोग मिठास के लिए भी शहद का इस्तेमाल करने लगे हैं। हनी का उपयोग आप किसी भी रूप में करें, ये आपकी सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद है। बस इसके इस्तेमाल से पहले ये जरूर जांच ले कि उपयोग में लाया जा रहा है शहद असली है या मिलावटी, क्योंकि मिलावटी हनी खाने से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। शहद की क्वालिटी को लेकर लोग हमेशा असमंजस रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि असली शहद काफी गाढ़ा होता है, और पानी में डालने पर ये आसानी से घुलता नहीं है, बल्कि तली में जाकर जम जाता है, जबकि नकली शहद पानी में जल्दी घुल जाता है। हालांकि शहद की शुद्धता जांचने का ये कोई निश्चित तरीका नहीं है। आइए जानते हैं हनी आमतौर पर कितना प्रकार होता है। नंबर 1 यूकेलिप्टस शहद, नंबर 2 लीची शहद, नंबर 3 सूरजमुखी शहद, नंबर 4 रेपसीड शहद, नंबर 5 करंजा शहद, नंबर 6 मल्टीफ्लोरल शहद, नंबर 7 बबुल शहद, नंबर 8 बन शहद। इसमें से मल्टीफ्लोरा शहद बहुत अच्छी होती है। मल्टीफ्लोरा शहद प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी द्वारा निर्मित होती है, जो आमतौर पर बसंत ऋतु में कई फूलों पर फिट करते हैं। आप जानते हैं शहद में पाए जाने वाली पोषक तत्व के बारे में। शहद जरूरी पोषक तत्व, खनिज और विटामिन का भंडार है। शहद में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लोबिन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन सी और एमिनो एसिड भी पाया जाता है। एक चम्मच यानी 21 ग्राम शहद में लगभग 64 कैलोरी और 17 ग्राम फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड माल्टोज होती है। शहद में फैट, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होती है। शहद के औषधीय गुणों की बात करें तो ये अनगिनत बीमारियों के इलाज में उपयोगी मानी जाती है। शहद के फायदे, शहद के फायदे को देखते हुए ही आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया है। छोटे बच्चे से लेकर वयस्क तक शहद सभी के लिए उतनी ही फायदेमंद है। नियमित रूप से शहद खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसमें कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होती है। आइए शहद के 10 फायदे के बारे में जानते हैं। नंबर 1 खांसी से आराम। अगर आपकी कई दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद की इस्तेमाल करें। ये खांसी से आराम दिलाने की असरदार घरेलू दवा है। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को और बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही ये कफ को पतला करती है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। खासतौर पर जो लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं उन्हें शहद से जल्दी आराम मिलती है। खांसी से आराम पाने के लिए शहद को कैसे इस्तेमाल करें? पहला तरीका, एक चम्मच अदरक का रस निकालें, इसके साथ 2 चम्मच शहद मिक्स करें और 2 काली मिर्च डस्ट करके मिला लें। आधा चम्मच करके दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। दूसरा तरीका, रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे पिए।
ये बलगम को पतला करने के साथ साथ खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। शहद की ये घरेलू नुस्खा करने से आपको खांसी से बहुत जल्द आराम मिल सकते हैं। नंबर टू फायदे, वजन कम करने में सहायक। अगर आप बढ़ते वजन या मोटापे से परेशान है तो शहद के सेवन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे, शहद में वसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वजन को नियंत्रित रखने के साथ साथ शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, इसलिए नियमित रूप से शहद का सेवन करें। लेने का तरीका, रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिला के उसका सेवन करें। इसे पीने के आधे से एक घंटे तक कुछ भी ना खाए। आप इस मिश्रण में आधे नींबू का रस भी मिला सकते हैं। नंबर थ्री फायदे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। शहद में जरूरी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत फायदेमंद होती है और दिल से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से बचाव करती है। इसके अलावा शहद का मुख्य काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर मजबूत होने से कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाव होती है। सेवन विधि, शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना एक से दो चम्मच शहद को हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर पिए। दूध में शहद डालकर पीने से ये और भी ज्यादा गुणकारी हो जाती है। नंबर फोर फायदे, नींद की समस्या। जिन लोगों को रात में नींद की समस्या होती है उनके शरीर में स्लीपिंग हार्मोन बड़ी कम मात्रा में बनता है। ऐसे लोगों के लिए रात में शहद का सेवन करना काफी लाभदायक होगी, क्योंकि शहद का सेवन करने से स्लीपिंग हार्मोन बढ़ता है। इस कारण रात में जो लोग शहद का सेवन करेंगे उन्हें बढ़िया नींद आ सकती है। अनिद्रा की समस्या से बचने के लिए आप इसे दूध के साथ भी पी सकते हैं। नंबर फाइव फायदे, पाचन क्रिया को ठीक रखे। कई लोगों को रात में कब्ज की समस्या भी बहुत परेशान करती है। खाना खाने के बाद जब वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कब्ज उनकी परेशानी का कारण बन जाता है। इस समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त रूप से फाइबर का सेवन करना चाहिए। उसके लिए शहद एक बेहतरीन विकल्प के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर की भी मात्रा पाई जाती है जो कब्ज की समस्याओं से आपको राहत दिलाती है। नंबर सिक्स फायदे, सर दर्द दूर करे। सर दर्द की समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं और जिन पर काम का प्रेशर ज्यादा रहता है वो लोगों को सर दर्द आसानी से आ सकते हैं। कुछ लोगों को रात के समय भी सर दर्द का समस्या बहुत ज्यादा परेशान करती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अध्ययन के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई, शहद का सेवन करने वाले लोग सर दर्द की समस्या से काफी ज्यादा राहत महसूस कर सकती है। नंबर सेवन फायदे, दिल की बीमारी से बचे। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक शहद का सेवन खून में पॉलीफोनिक एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाता है, जिससे आप दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। नंबर एट फायदे, स्किन को खूबसूरत बनाती है। सर्दियों में शहद से चेहरे पर 30 मिनट मसाज करें, इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर ले। ये स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करती है। इससे स्किन में नमी बनी रहती है और आप दाग धब्बे और स्किन ड्राइनेस से बचे रहते हैं। नंबर नाइन फायदे, एंटी एजिंग। शहद में एंटी एजिंग गुण होते हैं जो स्किन में होने वाली रिंकल्स की समस्या को रोक देती है। नंबर टेन फायदे, सांस संबंधित समस्या। सांस संबंधित समस्या के लिए आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी में शहद मिला के दिन में 3 बार एक हफ्ते तक ले। आप जानते हैं इसके साथ शहद नहीं पीना चाहिए। कुछ चीजों के साथ शहद का सेवन करना काफी हानिकारक होता है। चाय या कॉफी के साथ शहद का सेवन ना करें। चाय या कॉफी के साथ शहद का सेवन करने से शरीर की तापमान बढ़ सकता है, साथ ही इससे तनाव और घबराहट जैसे चीज भी हो सकता है। मूली के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शहद और मूली का सेवन एक साथ किया जाए तो शरीर में टॉक्सिन बनता है। गर्म चीजों के साथ शहद का सेवन ना करें, इससे पेट की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। घी या मक्खन के साथ ना ले। घी या मक्खन के साथ इक्वल क्वांटिटी में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे विष समान माना जाता है। आप जानते हैं
साथ से जुड़े हुए कुछ सावधानियाँ। अधिक मात्रा में शहद का सेवन ना करें। दिन भर में 1 से 2 चम्मच शहद का सेवन पर्याप्त है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप खिलाना चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से खिला सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान शहद का सेवन सीमित मात्रा में करें या डॉक्टर की सलाह से सेवन करें। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। आज यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक्स के साथ। सब स्वस्थ रहिए। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।